की गुमानसी जामो ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को हराकर इतिहास रच दिया है। तीसरे नंबर पर नोटा रहा। बड़ी बात यह है कि भाजपा की स्थापना के 39 वर्षों में दूसरी बार भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ को फतह किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में जामो ने भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 16,000 वोट से झाबुआ में हराया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दलित सीएम भूरिया ने इस सीट से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को हराया था। अब जामो ने सांसद भूरिया को हराकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान की सिफारिश मानते हुए जामो को टिकट दिया गया था। आखिर भाजपा ने इस जीत के साथ ही कांग्रेस के अभय दृढ़ को हरा दिया है। अब सभी लोग भाजपा की जीत का जश्न मना रहे हैं। हो गया बोल लो। मुझे ये बताएं, आज रतलाम से 50,000 से ज्यादा की गेट दी है, जैसे कि आपने घोषणा करी थी 50,000 से ज्यादा की गेट दिलाएंगे, क्या कहेंगे? रतलाम नगर से 53,000 मतों से यहाँ की जनता ने हमारे उम्मीदवार गुमान सिंह जी डामोर को जिताया है और पूरे झाबुआ सीट को हमने फिर से 1,00,000 के करीब मतों से जीती है। और निश्चित तौर पे यह रतलाम सीट, मैंने जब भी घोषणा करी कहा था कि रतलाम सीट आखिरी सीट होगी जहाँ से कांग्रेस के तंबू में यहीं से हम ताल ठोकेंगे। और निश्चित ही नतीजों ने बता दिया है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लूली लंगड़ी सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने जिस तरीके का समर्थन दिया है यह सुनिश्चित करता है कि भारत के अंदर एक ऐसा नेता जनता को मिला है जो विश्व के अंदर भारत का गौरव दिला सकता है। और जनता ने उसी विश्वास और भरोसे के साथ में, स्पष्ट बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी को आगे दिया है कि वे आगे बढ़े और भारत को विश्व गुरु बनाए और पूरे विश्व में गौरव स्थापित करे और भारत माता का गौरव बढ़ावे। शेला ने अक्सर भैया जी देखा जाता था कि लीड दिलाता था कांग्रेस को, आपकी शेला ने के लिए बहुत घटी है, 2008 के बारे में। अरे उनको महिला को रोको, मिठाई शेला ना, और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी हर जगह से हमें जीत मिली है। कई जगह पर थोड़ी बहुत गड़बड़ रही है परंतु फिर भी हम जीते हैं। और यह जो मिथक था कि आदिवासी बंधु इस बात को समझ नहीं पाते हैं, परंतु आदिवासी बंधु अब कांग्रेस के झूठ को समझ गए हैं। कांग्रेस के झांसे में अब वो आने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मंडला में, शहडोल में, बाला बैतूल में हम सब जगह जीते हैं, उसने निश्चित कर दिया। और खास करके बैतूल जैसी जगह पर छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी के लड़के को मार्जिन कम हुआ, वहाँ का हमारा आदिवासी उम्मीदवार उनको हराने की स्थिति में था। तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने मन बना लिया है कि उनके अगर देखभाल कर सकता है, उनके बारे में अगर किसी का दृष्टि है और सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की। पुत्र के बाद पिता को हराना यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक जुमला है। और जो यहाँ धरातल के ऊपर उतरा है, इस तरीके से 6 माह के अंदर 2 चुनाव का जीतना है हमारे प्रत्याशी गुमान सिंह जी डामोर का, एक लोकप्रियता का और भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन करा है उस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा योग्य वो उचित उम्मीदवारों को ढूंढ करके जनता के बीच में लाती है। नारे लगा दो, नारे। हाँ, ये 2 दिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें काफी हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्या कारण रहा है इसका? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता के प्रति ये विश्वास जगा है कि भाई वास्तव में ये व्यक्ति सभी लोगों को सबका साथ सबका विकास की जो बात करता है उस पर ये खरे उतरे हैं। और खासकर गरीब वर्ग जिनको गैस सिलेंडर मिला है, शौचालय मिला है, घर मिला है, तो सारी लोगों को सारी सुविधाएं मिली है, तो लोगों में विश्वास जगा है। और राष्ट्र के प्रति एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, के राष्ट्र की रक्षा कौन व्यक्ति कर सकता है, देश जो सुरक्षित है वो किस व्यक्ति के हाथ में रहता है। तो 130 करोड़ जनता ने स्वीकार किया कि ऐसा नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति हो जो देश को सुरक्षित रख सकता है और देश हित में यही व्यक्ति काम कर सकता है। ये पहले व्यक्ति हैं जो बेटे को भी हराया, उसके बाद उन्होंने बाप का नंबर आया है। कांतिलाल जी जो पहले हमेशा जीतते आ रहे हैं और अभी फिर इन्होंने इनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, क्या कारण रहा है? कांतिलाल जी ने इस रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र को अपनी जागीर समझ लिया था और जनता को कुछ समझा ही नहीं उन्होंने। जनता के बीच में कभी जाना ही नहीं, जनता का काम करना ही नहीं, तो फिर जनता में मोदी जी ने काम किया और
भारतीय जनता पार्टी कितने साल सरकार थी, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया, तो जनता ने वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में काम किया, धरातल पे जो योजनाएं लाई वो धरातल पे उतारी है, और इन्होंने कांतिलाल जी ने कोई काम किया नहीं है। तो पहले बेटा 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 आ रहा, फिर अब इनका नंबर आ गया, अभी ये हार गए। जनता ने निपटा है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता की जो कदर नहीं करेगा उनका हश्र यही होगा। आपका नाम और पद? मोहनलाल पाटीदार, मुरलीवाला, नरेंद्र मोदी विचार मंच, राष्ट्रीय सेवा प्रतिष्ठान से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।